भाजपा के केंद्र में 7 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में कांगड़ा चंबा के सांसद किशन कपूर ने जिला प्रशासन कांगड़ा को कोरोना से संबंधित स्वास्थ्य किटें प्रदान की। इस दौरान उन्होंने 1000 ऑक्सीमीटर कंसंट्रेटर सहित अन्य स्वास्थ्य उपकरण जिला प्रशासन को भेंट किए। इस दौरान सांसद किशन कपूर ने कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान 60 वर्षों में मात्र एम्स बनाया जा सका, जबकि भाजपा की सरकार अटल बिहारी के समय में 6 एम्स और मोदी सरकार के समय में मात्र 7 वर्षों में 22 एम्स शुरू किए गए हैं। पूरे देश भर में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ किया गया है। वो यहाँ विकसित हुई है और लगभग 21 करोड़ लोगों को जो जिनकी वैक्सीनेशन हो चुकी है और उन्होंने भी और एक याद मैं आपको और दिलवाना चाहता हूँ। हम जब इसका जो जीता जागता उदाहरण है, जब कोई भी आदमी जब ज़्यादा सीरियस हो जाता था, उसको वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती थी, तो वेंटिलेटर के लिए PGI चंडीगढ़ जाना पड़ता था। आज हमारे वेंटिलेटर जो हैं वो लगे हैं और बाकी जो वेंटिलेटर जो केंद्र सरकार अभी 19 वेंटिलेटर और भेज रही है और उसके साथ साथ हिमाचल सरकार भी 15 वेंटिलेटर दे रही है, तो लगभग 34 वेंटिलेटर और आ जाएंगे। इससे पता लगता है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो हमारी सरकारों ने काम किया है, चाहे केंद्र की सरकार है चाहे प्रदेश की सरकार है, वो बहुत ज़्यादा काम। प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने एक एम्स खोला था, उसके बाद उनकी पुत्री रहीं श्रीमती इंदिरा गांधी जी रहीं, राजीव गांधी इस देश के प्रधानमंत्री रहे, डॉक्टर मनमोहन जी प्रधानमंत्री रहे और भी प्रधानमंत्री रहे, तो कोई भी एम्स नहीं खोला। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी 6 वर्षों के लिए प्रधानमंत्री रहे इस देश में, उनका शासनकाल रहा, 6 एम्स खोले गए। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 7 वर्षों में 22 एम्स खोले और हर जिला में मेडिकल कॉलेज खोलने की उन्होंने काम किया है। इस प्रकार से जो हमारा स्वास्थ्य का ढांचा है उसको सुदृढ़ करने के जो प्रयास इस सरकार के समय में हुए, वो हिंदुस्तान का एक इतिहास है। भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के 7 वर्षों का कार्यकाल पूरा हो रहा है। इन 7 वर्षों में जन कल्याण की बहुत सारी योजनाएं जो इस देश में लागू की हैं और उसके साथ साथ यहाँ जो हमारा स्वास्थ्य का ढांचा था पूरे देश में, उसको भी सुदृढ़ इन 7 वर्षों में किया है। जैसे उदाहरण के तौर पर आज वो ही लोगों के काम है, तो विपक्ष जो है क्या कहता है क्या नहीं कहता है, और विपक्ष ने तो कई किस्म के जो प्रचार किए, जैसे टूल किट है वो क्या थी, वो तो देश को तोड़। दिव्य हिमाचल TV के लिए धर्मशाला से नरेंद्र कुमार की रिपोर्ट।